फाइनल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान बोर्ड की 12वीं आर्ट्स का रिजल्ट गुरुवार को, 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार होगा खत्म। बीडी कल्ला करेंगे परिणाम जारी। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित, कहा पहले नहीं मिलता था महिलाओं को मौका, आज बन रही विधायक और सांसद, हमने जनाधार कार्ड में महिलाओं को बनाया घर का मुखिया। पाक विस्थापित परिवार के बीच पहुंची जैसलमेर कलेक्टर टीना डाबी, मूलसागर गांव में 5 शरणार्थियों को दी गई जगह, यूआईटी की ओर से 40 बीघा जमीन की गई आवंटित। नौतपा लगने से पहले प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, एक नया वेदर सिस्टम हुआ एक्टिव, जयपुर समेत कई शहरों में हुई बारिश, कई जगहों पर गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज, दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। सबसे पहले बात करेंगे योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी में मिले 2,31,00,000 रुपए और 1 किलो सोना के मामले में, जिसमें एसीबी ने पकड़े गए ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने वेद प्रकाश की 2 दिन की रिमांड अवधि को और बढ़ा दिया है। एसीबी ने कोर्ट में बताया है आरोपी रिश्वत लेने वाली बात पर बार बार बयान बदल रहा है। आरोपी ने पहले एसीबी को कुछ कंपनियों के नाम बताए कि उसने इन कंपनियों से टेंडर के बदले कमीशन के रूप में पैसे लिए हैं, लेकिन एसीबी की तस्दीक से पहले वो बदल गया। एसीबी ने तर्क दिया कि वेद प्रकाश सवालों का जवाब सही से नहीं दे रहा है, जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि वेद प्रकाश से मिले मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड भी वो नहीं बता रहा है, ऐसे में सभी उपकरणों को FSL भेजे जाएंगे। खबर कोटा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी देहात की कार्य समिति की बैठक हुई। पाषाण भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष मुकुट नागर, रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी मौजूद रही। बैठक में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को धरातल पर पहुँचाने के साथ ही बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक के दायित्वों पर चर्चा हुई है। विशेष तौर पर इस कार्य समिति के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के विषय में जाकर हमें घर तक का घर तक कैसे संदेश पहुंचाना है, अपनी योजनाओं की जानकारी देनी है, उसकी कार्य योजना हम लोग बनाने वाले और बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख की तैयारी की योजना। भाजपा राजस्थान सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर करौली दौरे पर रही। उन्होंने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में संगठन गतिविधियों और संगठन की एकजुटता पर चर्चा की। इस दौरान जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अशोक सिंह धाभाई सहित समेत पूरे दूसरे पदाधिकारियों ने जिले की संगठन गतिविधियों से उनको अवगत कराया। राहटकर ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभी जिलों में चलाए जाने वाले विशेष जनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। राहटकर ने कहा कि अब चुनावी साल है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बतानी होगी। पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के स्वास्थ्य को लेकर एक फर्जी मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को हार्ट की शिकायत के बाद श्रीगंगानगर के एक अस्पताल में भर्ती होना लिखा गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने मैसेज का खंडन किया है और कहा है कि वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अपने घर पर हैं। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा है कि वे श्रीगंगानगर के एक हॉस्पिटल में अपने परिचित से मिलने जरूर गए थे और पता नहीं किसने ये मैसेज वायरल कर दिया कि वे अस्पताल में भर्ती हैं। कहीं कोई एक अंगड़ी के भी दर्द नहीं हुआ, न कोई तकलीफ हुई। हाँ, मैं गया जरूर था क्योंकि वेदांता वाला जो मालिक है वो मेरा दोस्त है, तो वहाँ किसी ने देख लिया तो उस हिसाब से आगे बातें मिलती गई जैसे आपके पास आ रही है, और ऐसा कुछ नहीं था।
और अब बात ग्रेटर नगर निगम की, जिसकी चौथी बैठक सभासद भवन में होगी। इसमें निगम अपनी खुद की खेल अकादमी खोलने के प्रस्ताव सहित ग्रीन बॉन्ड जारी करने को लेकर चर्चा होगी। ग्रेटर निगम क्षेत्र के सभी सामुदायिक केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त करने के प्रस्ताव शामिल है इसमें, और वहीं निगम का खुद का अत्याधुनिक सुविधा युक्त ऑडिटोरियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। अमृत योजना के तहत सभी जोन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को बदलने और नई सीवर लाइन के कार्य की स्वीकृति ली जाएगी। ये 10 साल का पूरा एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि 10 साल बाद में जयपुर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंज होता है वो अचानक से नहीं होता है। जैसे क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, तो वहाँ एक दिन में काम नहीं होगा, वहाँ सालों हमें काम करना पड़ेगा। उस दिशा की ओर हमें सोचना पड़ेगा। जैसे वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पानी बचा दें। कोटा की महावीर नगर इलाके में एक बालिका ने अपने घर से भागकर बालिका गृह पहुंचकर अपना दर्द बयां किया है। बालिका का कहना है कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है और दूसरे पति के साथ मिलकर मां मारपीट करती है और भीख मंगवाती है। वहीं बालिका ने साहस दिखाते हुए अपना घर छोड़ा और अपनी आपबीती बाल कल्याण समिति को सुनाई। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने काउंसलिंग के बाद बालिका को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया है। इस मामले को लेकर जाँच शुरू कर दी गई है। बालिका से जब बातचीत की गई तो बालिका का कहना है कि उसके माता पिता उसके साथ मारपीट करते हैं, उसकी मां ने दूर से शादी कर ली और यहाँ तक कि वो चोरियाँ भी करवाते हैं, और चोरी करते हुए दुकानदार जब पकड़ में ले आ जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं कि ध्यान से चोरी क्यों नहीं की। इसके एक बहन और दो भाई और हैं जिनको भी चोरी के और भी मांगने के कार्य में लिप्त कर रखा है। बालिका की संरक्षण की आवश्यकता देखते हुए मधुबाला शर्मा इंदल जैन ने राजकीय बालिका गृह में इसका आश्रय दिया है। उदयपुर से बड़ी खबर है, एसीबी कांस्टेबल द्वारा रिश्वत लेने का मामला है। मामले में आरोपित प्रशिक्षु एसआई को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद एसीबी मुख्यालय के आदेश पर जांच शुरू की गई है। चित्तौड़गढ़ एसीबी के एएसपी को जांच सौंपी गई है। 4 अप्रैल को एसीबी उदयपुर की टीम ने एसआई राम सिंह गुर्जर को रिश्वत लेते प्राप्त किया था। इसी दौरान रिश्वतखोर एसआई को चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने लाते वक्त थप्पड़ जड़ दिया। एसीबी के कांस्टेबल नंद किशोर ने थप्पड़ जड़ दिया, ऐसा कहा जा रहा है। इस दौरान एसीबी के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। घटना के करीब 1.5 महीने बाद थाने के बाहर सीसीटीवी का ये फुटेज सामने आया है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये देखिए थप्पड़ जड़ा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के बागोर थाना इलाके में एक विवाहिता की खून सना शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची बागोर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी ये मिल रही है कि महिला मीना कंवर रायपुर थाना इलाके की रहने वाली थी और वो अपनी बुआ के घर शादी में शामिल होने के लिए आई थी। 4 दिन से वो अपने बुआ के घर पर ही थी। बीती रात को विवाहिता मदनपुरा गांव से अचानक शादी वाले घर से लापता हो गई। घर वालों ने महिला को काफ़ी तलाशा लेकिन कोई खबर नहीं लगी, जिसके बाद सुबह खेतों में विवाहिता के शव मिलने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। खबर अलवर के किशनगढ़बाद से है, जहां गंज गांव में कुछ लोगों ने बच्चे और उसके पिता के साथ मारपीट की है, जिसमें पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने यह बताया है। 4 से 5 बदमाश गांव में आए और मृतक सुरेश सैनी के बेटे के साथ मारपीट की। इस दौरान पिता सुरेश भी बच्चे के बीच बचाव में उतर गया और इसी दौरान बदमाशों ने सुरेश सैनी के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी जगराम मीना, डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल समेत कई पुलिस आला अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज गांव में पानी नहीं आया, इस वजह से हम पानी भर रहे थे, पापा, मैं, मम्मी और अनेक गांव वाले। तो मेरा भैया
सब्जी की दुकान के सामने बैठा हुआ था। चार पांच लड़के आए, मेरे भाई को अगवा कर बैठा कर लेके सेंट्रल जेल की तरफ लेकर गए। तो वहाँ पे हमारे गांव का पड़ोसी ने क्या नाम है, जैसे ही मेरे भाई तो बीच बचाव कर मारपीट कर उसको जब मारा जाइए तो अपने आप छुड़ा कर वहाँ से आ गया। जब मेरी जाती मेरे भी आँख पे ईंट से मेरी आँख मारी, आँख पर ईंट मारी उस मोहित ने। मोहित सैनी और उसके दोस्त थे, पाँच सात आदमी थे, वो उसको खिल्लू सैनी को जेल के पास ले गए, जेल के आगे रोड पर ले गए, उसके साथ मारपीट करी, मारपीट की। तो उसके बाद में उसके पिताजी को भी लेके चले गए, उसके पिताजी सुरेश सैनी हैं, उनको भी ले गए, उनके साथ भी मारपीट की, उनके भाई के साथ भी मारपीट की। तो मारपीट की वजह से उसके पिताजी की चोट लगने से मौत हो गई। और खबर करौली से है, जहां डूंडापुरा के जंगलों में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है और शव लेने से इनकार कर दिया है। करौली कोतवाली CI डॉक्टर उदय भान, सदर थाना अधिकारी कृपाल सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की है, लेकिन सहमति नहीं हुई है, सहमति नहीं बन पाई है। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। नरसी जाटव जो डेली वेजेस पे काम करता था, वो ठेकेदार का मैं तो नाम नहीं जानता, लेकिन वो अपने हंसी खुशी से गया था। कल सुबह जब इनके परिजनों को ये जानकारी मिली तो उसकी मरा हुआ मृत घोषित बताया। तो जो उसके जो चोट है आँख पर पे और शरीर में, उससे ये ज्ञात होता है कि उसका मर्डर हुआ है और उसकी हत्या करी गई है। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर की टीम ने भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। ACB के डिप्टी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं ACB धौलपुर को परिवादी ने शिकायत की थी कि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार अग्रवाल और बाबू अजय गुप्ता द्वारा वेतन वृद्धि का संशोधन करने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही है, जिसका गोपनीय सत्यापन कराया गया, जिसके बाद आरोपी सुनील कुमार अग्रवाल ने 8,000 रुपए की रिश्वत ली। तभी इशारा पाते ही ACB ने उसे दबोच लिया। ACB द्वारा आरोपी के घर की भी तलाशी ली जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट में पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन नहीं देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पक्षकारों को 3 दिन में अपनी लिखित बहस पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे सोलर पैनल से काम चला रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सतर्कता अधिकारी को कहा है कि वे आज ही याचिकाकर्ताओं के घरों में जाकर देखें कि क्या उन्होंने किसी अन्य वैध कनेक्शन रखने वाले से बिजली ले रखी है या सोलर पैनल से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 साल बाद लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया और धर्मेंद्र राठौड़ ने दुर्ग पर मौजूद महंगाई राहत कैंप के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही ग्रामवासियों को कैंप में पंजीयन करवाकर सरकार की 10 मुख्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि लाइट एंड साउंड शो राजसमंद को में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज आप शो को देखें, अगर आपको इसमें कोई कमी या फिर सुझाव नजर आता है तो हमें सुझाव बताएं, हम इसमें सुधार करेंगे। जैसलमेर से खबर है, जहां करीब 10 साल के बाद गाइड लाइसेंस बांटे गए हैं। 486 लोकल और 63 स्टेट लेवल के गाइड लाइसेंस मिलने से पर्यटन क्षेत्र में गाइड का काम करने वालों को अब सरकारी लाइसेंस मिल गया है। अब वे लपके नहीं कहलाए जाएंगे, साथ ही पुलिस और अन्य लोग भी परेशान नहीं कर सकेंगे। शहर के मूमल टूरिस्ट बंगलों में लाइसेंस देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शाहले मोहम्मद और MLA रूपाराम धनदेव ने सभी को लाइसेंस बांटकर सभी को बधाई दी और लंबे समय बाद सरकारी सर्टिफिकेट मिलने पर गाइडों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जैसलमेर जिले के जो गाइड थे उन गाइडों की लंबे समय से मांग थी कि जो 2003 के अंदर कुछ लोगों को लाइसेंस मिले थे
उसके बाद में लाइसेंस का देने का जो अधिकृत लाइसेंस देने का काम था वो पूरा नहीं हो पाया। आज उन लोगों को वापस हमने अधिकृत जो है उनको लाइसेंस दिया है, उसमें विशेष रूप से छूट दी गई है, क्योंकि यहाँ का जो गाइड है भले वो शिक्षा सेक्रेटरी से उनको पास एजुकेशन कम हो पर उनका ज्ञान जो है अनुभव जो है आज हर व्यक्ति चाइनीज जान रहा है, जापानी जान रहा है, फ्रेंच जान रहा है, इंग्लिश इतनी फराटे से बोल रहा है अनपढ़ आदमी कि आज उनको शानदार इंग्लिश आ रही है। तो आज जितने भी गाइड हैं आज इतना अनुभव रखते हैं और उसके बाद में भी उनको एक जो अधिकृत लाइसेंस मिलना था उससे वंचित थे। तो मुख्यमंत्री जी से हमने विशेष मांग की थी, उन्होंने ये बजट के अंदर घोषणा की थी और जिसमें जिले के गाइडों को देखते हुए उन्होंने विशेष छूट दी थी कि अनुभव के आधार पर भी गाइडों को अधिकृत लाइसेंस दिया जाए। काफी वर्षों से गाइड्स लाइसेंस की बहुत आवश्यकता थी। पहले जो लाइसेंस आज से 20 वर्ष पहले जारी किए थे, कई लोगों ने व्यवसाय चेंज कर लिया, कई लोगों का देहांत हो गया, बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन किया, क्योंकि यहाँ पे लोग साक्षर है, वो भी कई भाषाएं जानते हैं, तो हमने रिक्वेस्ट की, तो गवर्नमेंट ने कैबिनेट में निर्णय करके निर्णय लिया, रिलैक्सेशन दिया शिक्षा में भी और लाइसेंस लगभग 500 का जो राज्य में जिला वाइज सेकंड नंबर पे है 500 लाइसेंस जारी किए। से है जहां 26 मई को सर्व जातीय निशुल्क विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रेरणा से श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान की ओर से यह आयोजन किया जा रहा है। मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया है कि सम्मेलन में 2,222 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा, जिसमें 2,111 हिंदू और 111 मुस्लिम समाज के वर वधु हैं। यह विवाह सम्मेलन कौमी एकता की मिसाल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, स्पीकर सीपी जोशी और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज शामिल होकर वरवधु को आशीर्वाद देंगे। लगभग 2,200 जोड़ है वरवधु के जोड़ों के रजिस्ट्रेशन हुआ। अतिथि कौन कौन बता रहे? हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव रंधावा जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी सम्मान्य सीपी जोशी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सम्मान्य डोटासरा जी सहित कई हमारे मंत्रिपरिषद के साथीगण, विधायक साथीगण, कई हमारे जिम्मेदार साथी। कहते हैं सपने साकार हो जाएं तो हकीकत कुछ और हो जाती है। इस बात का पर्याय बनी है लघिमा तिवारी। उन्होंने यूपीएससी में 19वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने लघिमा तिवारी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कहते हैं सपने साकार हो तो हकीकत कुछ और हो जाती है। हम आज आपको ऐसे ही कुछ व्यक्तियों से मिलवाएंगे, या कहें यूपीएससी टॉपर से मिलवाएंगे, जो अपनी आबीती आपको खुद बताएंगे। आइए आपसे सबसे पहले नाम से शुरुआत करते हैं। नाम बताइए और रैंक बताइए। मेरा नाम लघिमा तिवारी है और मैंने इस वर्ष की यूपीएससी परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की है। अगर बात करें यूपीएससी की तो इसको भारत की सबसे प्रीमियम एग्जाम्स माने जाते हैं और सबसे डिफिकल्ट और हार्ड होते हैं, तो कैसी तैयारियाँ की थी और क्या कौन से अटेम्प्ट में निकाला है आपने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था एंड मैंने ग्रेजुएशन के बाद एक साल अपना पूरा प्रिपरेशन को दिया था एंड इस दौरान मैंने अपनी पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड रखी और अपनी स्ट्रैटेजी बिफोर हैंड डिवाइस कर ली और उसे बहुत फॉलो करने की कोशिश की। रिपीटेड रिवीजन, प्रैक्टिस, अपनी मिस्टेक्स से सीखना, इन्हीं सब चीज़ों को मैंने फॉलो किया एंड आज ये रिजल्ट है। दिन में अगर बात करें, दिन या रात में टोटल कितने घंटे पढ़ती थी और किस किस सब्जेक्ट को, थोड़ा ब्रीफली बताइए थोड़ा सा, जो हमारे जो बाकी दर्शक देख रहे हैं वो भी जाने और वो भी कोशिश करें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं कोशिश करती थी कि रोज़ पढ़ पाऊँ और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रोज़ की एंड 7 to 8 आवर्स रोज़ मैं देने की कोशिश करती थी। इसमें से कुछ टाइम न्यूज़पेपर्स एंड करंट अफेयर्स को जाता था, बाकी टाइम डिवाइड हो जाता था। जैसे कभी अगर मैं ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और अपने जीएस सब्जेक्ट्स को कम दे रही हूँ, वहीं अगर ऑप्शनल कई दिन कई महीने मैं अपने जीएस को ज़्यादा देती थी, ऑप्शनल को कम, तो ऐसे डिवाइड होता रहता था। चलिए बात करते हैं, बाकी इनके पेरेंट्स भी हैं। मैम क्या नाम है आपका और क्या करती हैं आप? कांता शर्मा नाम है मेरा और मैं गृहिणी हूँ। जी अच्छा, मैं गृहिणी हूँ तो गृहिणी बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, गृहिणी हूँ इतना नॉर्मल नहीं होता है ना? जी, मैं घर में ही अपना देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, इनका टाइम से ध्यान रखती हूँ, बस इनका खाना पीना है, जो भी है घर का काम है सारा जो देखती हूँ उनको।
टाइम से, जो स्टडी है, इनको टाइम टेबल बना रखा है इनका सब कुछ। मैम, बेटी ने पहली बार में ही यूपीएससी निकाला है, इसका महत्व आप खुद समझ सकते हैं कि सबसे हार्ड इंडिया का एग्जाम कंसीडर किया जाता है इसको, क्या कहना है? बिल्कुल, बेटी ने पहले इसमें निकाला है, मैं बहुत प्राउड हूँ उससे। मैं अपने आप, मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, मैं इतना खुश हूँ अपनी बच्ची से, बस मैं इसके सिवा कुछ नहीं कह सकती। पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मैं सतीश चंद शर्मा, लेक्चरर मैथमेटिक्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स के लेक्चरर के रूप में कार्य करता हूँ। पिछले 25 सालों से लगभग मैं यहाँ दिल्ली सरकार के स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। और यही नहीं, मैं अपने बच्चों को, मेरे लिए इससे पहले वो बच्चे हैं जिनसे मेरा जीवन यापन चल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं चैनल पर ये शब्द बोल रहा हूँ, मैं रियली अपने जीवन में ये काम करता हूँ, ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। मेरा बस आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे कि जो हमारे दर्शक और या जो एस्पिरेंट इसको देख रहे हैं, आप बस थोड़ा सा उनको गाइड करिए कि कैसे वो पढ़ाई करें और खुद भी आगे सफलता प्राप्त कर सकें। मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग में एक बार अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार क्लियरली लिख लें या फिर कहीं अपना नोट डाउन कर लें एक अच्छे से टाइम लेकर, एंड उस पर स्टिक करें थ्रू आउट द ईयर, चाहे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, एंड कंसिस्टेंटली रोज़ एफर्ट्स करें उठकर। आपको सेम टास्क रिपीट करना होगा रोज़, एंड इट माइट गेट बोरिंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आपको खुद को रिमाइंड कराना है कि यही बोरिंग चीज़ें अगर आप रोज़ रोज़ करेंगे तो आपको लास्ट में जाके ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड अपना बेस्ट दें, कोई स्टोन अनटर्न मत रखें, एंड उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा इट इज़ भगवान की मर्ज़ी, बट आपको एटलीस्ट सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगी कि आपने अपना बेस्ट दिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया मैम। कैमरामैन संदीप रावत के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। प्रदेश में अपराधियों के खात्मे के लिए अशोक गहलोत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को बदमाशों पर इनामी राशि के ऐलान की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। राजस्थान पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ रिकॉर्ड कार्रवाई कर रही है। पुलिस के आक्रामक एक्शन के चलते अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन का असर ये हुआ है कि प्रदेश में कई तरह के अपराधों में अच्छी खासी कमी आई है। कुछ महीनों पहले तक प्रदेश में हर रोज फायरिंग की घटनाएं हो रही थी, जो अब रुक सी गई है। इसके साथ ही गैंग वॉर की घटनाओं में भी काफी कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई मौकों पर पुलिस के एक्शन की तारीफ कर चुके हैं। राजस्थान पुलिस इसलिए भी फ्रंट फुट पर आकर कार्रवाई कर रही है क्योंकि सरकार का पुलिस को पूरा सहयोग मिल रहा है। इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने अब वर्षों बाद बदमाशों पर इनामी राशि घोषित करने के नियमों में बदलाव किया है। डीजीपी अब किसी भी अपराधी पर 5 लाख की इनामी राशि का ऐलान कर सकते हैं। पहले सिर्फ 1 लाख का अधिकार था। एडीजी अपराध और एडीजी एसओजी और एटीएस अब किसी भी अपराधी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर सकते हैं। पहले सिर्फ 50,000 का अधिकार था। रेंज आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर किसी भी अपराधी पर 50,000 का इनाम घोषित कर सकते हैं। पहले सिर्फ 10,000 का अधिकार था। जिला पुलिस अधीक्षक और डीसीपी अब किसी भी अपराधी पर 25,000 का इनाम घोषित कर सकते हैं। पहले सिर्फ 5,000 का अधिकार था। अपराध जगत में बदमाशों को पकड़ने के लिए इनाम घोषित करने की प्रक्रिया काफी कारगर है। ऐसे काफी उदाहरण है जब बदमाश पर इनाम घोषित होने के बाद उसके बारे में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। इसलिए ये एक उम्मीद की जा रही है सरकार के इस फैसले से पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे पहले भी पुलिस की तरफ से बदमाशों पर इनामी राशि की लिमिट बढ़ाने का आग्रह किया गया था, लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। 2013 के बाद इस राशि को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। बदमाशों पर पुलिस अधिकारियों की ओर से घोषित इनाम की राशि में बढ़ोतरी सरकार ने 10 साल के बाद की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस ने अपराधियों के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान को सरकार के इस फैसले से मदद मिल सकेगी। कैमरामैन संजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।
बड़ी खबर है फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पेपर आउट मामले के आरोपी पटवारी घमा राम बर्खास्त किए गए हैं। कलेक्टर निशांत जैन ने आरोपी पटवारी को बर्खास्त किया है, राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। कलेक्टर निशांत जैन ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं। पेपर आउट मामले में पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया था। पेपर आउट मामले में मुख्य सरगना से आरोपी पटवारी का सामने कनेक्शन आया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार किया था। और देखिए, गिरफ्तारी के बाद बर्खास्तगी का फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ था। इस खबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाने के बाद इस खबर पर बड़ा असर। पेपर आउट मामले के आरोपी पटवारी घमाराम बर्खास्त किए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल कलेक्टर निशांत जैन ने आरोपी पटवारी को बर्खास्त कर दिया है। लोडाराम दर्जी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ा है। लोडाराम, पहले तो गिरफ्तारी हुई थी लेकिन उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की, अब बर्खास्तगी हुई है पटवारी की। इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा एक्शन कह सकते हैं, एक बड़ा असर जो है वो देखने को मिला है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर पर कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाई और कलेक्टर निशांत जैन ने जो आरोपी पटवारी है जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, आरोपी पटवारी घमाराम जिसे बर्खास्त करने के जो आदेश है वो कलेक्टर निशांत जैन ने जारी कर दिए गए हैं। ये पूरा जो मामला था जिसमें पेपर आउट मामले में आरोपी पटवारी की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी के बाद में उसे निलंबित जरूर कर दिया गया था लेकिन बर्खास्त नहीं किया गया था, क्योंकि इस बार जितने भी पेपर आउट मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जो सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, जिन्हें तमाम को बर्खास्त किया गया था, लेकिन घमाराम पटवारी था जिसे बर्खास्त नहीं किया गया था। तो जिस पर फर्स्ट इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से उठाया, जिस पर कलेक्टर निशांत जैन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का एक बड़ा असर है वो देखने को मिला। और जो पेपर आउट मामले में जो आरोपी पटवारी है घमाराम, जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, पेपर आउट मामले में जो मुख्य सरगना है उसने इसका कनेक्शन सामने आया था और उसके बाद में इसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। ठीक है लोडाराम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।